फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12X Android मोबाइल फोन में आप अपने ब्लूटूथ की कीप्स स्टॉपिंग प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आपके ब्लूटूथ में कीप्स स्टॉपिंग की प्रॉब्लम आती है तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन का जो फाइल का ऐप है इसे ओपन करना है। इस फाइल के ऐप में आपको नीचे की साइड में ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको ना सबसे ऊपर की साइड इंस्टॉल ऐप पे टैप करेंगे तो आपको इसी पेज में ना नीचे की साइड आना है। यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है ये वाला ब्लूटूथ का, ब्लूटूथ पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम करना ये है कि बैक पेज पे जाना है, ठीक है। अब इसके भी बैक पेज पे जाना है, तो आपने जो ब्लूटूथ का ऑप्शन टैप किया था ना, तो इसी पेज में सबसे ऊपर आपको ये सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर भी अगले पेज में नीचे क्लियर कैच का ऑप्शन टैप करना है, तो कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम करना है क्या, आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब आपको अगले पेज में यहाँ पर इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपको नीचे पेज आता है, इसमें आपको इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आप अपने फोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।